तेरी जुदाई से डरता था ये दिल। सो गाइस, अगर आपका Realme कंपनी का फोन है, इसमें कोई सा भी मॉडल का Realme के अगर फोन में है आपका, तो आप कैसे जो है कॉल आने पर अपने मोबाइल के फुल स्क्रीन पर फोटो सेट कर सकते हो। क्योंकि कि दोस्तों YouTube पर बताए जाते हैं कि आपने डायलर को ओपन करना है एंड कुछ इस प्रकार से आपको फ़ोटो सेट करने के लिए यहां पर क्लिक करना रहता है एंड यहां से फ़ोटो आप चॉइस करके बोला जाता है फ़ोटो सेट करने के लिए। बट दोस्तों मैं आप सभी को इससे हट कर बताऊँगा, क्योंकि कि दोस्तों आपने वीडियो को मेरे पहले देखा होगा कि कैसे कॉल आने पर मेरे फ़ोन स्क्रीन पर फुल स्क्रीन में फ़ोटो दिख रहा था। तो आप कुछ इसी प्रकार से फ़ोटो कैसे सेट कर सकते हो, बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। उससे पहले एक छोटा सा आपको काम कर देना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे नोटिफिकेशन। चलो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देन आपको अपना सेटिंग ओपन करना होगा एंड जैसे यहाँ पर सेटिंग ओपन करते हो तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन को ऑप्शन देखने को मिलता होगा। सो गाइस, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे स्वाइप करके नीचे के साइड में आओगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, थीम्स, वॉलपेपर एंड आइकॉन स्टाइल। सो गाइस, अगर आप वॉलपेपर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कोई सा भी फीचर नहीं दिया जाता है, जिससे कि आप जो है बिना ऐप डाउनलोड किए यहाँ Realme के फ़ोन में फ़ोटो सेट कर सकते हो। सो गाइस, Realme के फ़ोन में वो फीचर नहीं दिया है जिससे कि आप जो है कॉल आने पर फुल स्क्रीन में फ़ोटो सेट कर सको। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, वो मैं आप सभी को वीडियो को एंड में बताऊंगा कि कौन सा एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या सेटिंग करना पड़ता है। सो गाइस, जैसे ये एप्लीकेशन आप ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके फ़ोन के स्क्रीन पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पर बताता है कि कॉल आने पर कैसे कैसे यहाँ पर जो है एनिमेशन लगा सकते हैं। सो गाइस, आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। यहाँ से जैसे इनेबल पर क्लिक करोगे गाइस, उसके बाद कुछ न्यू इंटरफेस पर आ जाओगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जोल्ड, इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड सेट ए डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है एंड इतना करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकग्राउंड, यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड जैसे वहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद कुछ फिर से न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप सबको इमेज, एंड जैसे आप इमेज पर क्लिक करोगे तो आपका जो है यहाँ पर बोला जाएगा गैलरी ओपन करने के लिए, तो आप अपना गैलरी ओपन कर लेना है एंड करने के बाद आप एक अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड अपने हिसाब से इसे आप जितना चाहे यहाँ पर फ़ोटो सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पर आपको मिला लेना है इसे एंड ऊपर के साइड में एक टिक का सही का आइकन देखने को मिलेगा यहाँ पर ऊपर के साइड में, सिंपल से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड जैसे करोगे तो यहाँ पर कैल बैकग्राउंड अपडेट हो चुका है। तो मैं यहाँ से आपको बैक जाता हूँ। सो गाइस, देख सकते हो कि ये बताता है कि आपके फ़ोन में अगर आपसे कॉल आएगा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक और फीचर मिल जाते हैं, यहाँ पर कोने के साइड में मिलेगा स्टाइल का ऑप्शन, जैसे स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको बताया जाएगा। यहाँ पर मेरा जो है गूगल डिफ़ॉल्ट पर सेट है, अगर आप आईफोन का लगाना चाहते हो स्लाइड वाला तो यहाँ पर आपको ये भी फीचर देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। स्वाइप अप का लगाना चाहते हो तो आपको ये भी फीचर देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर चाहते हो कि मेरे सैमसंग के फ़ोन में जैसे आता है वैसे यहाँ पर शो हो तो कुछ इसी प्रकार से देखने को मिल जाते होंगे। तो मेरे को यहाँ पर गूगल वाला ज़्यादा अच्छा देख रहा है परफेक्ट, तो मैं यही सेलेक्ट करता हूँ। आपको जो अच्छा पसंद आए वही सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ से बैक चलाता हूँ। जैसे बैक चलाता हूँ तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको बैक आ जाना है। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि कौन से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो सिंपल से गाइज, मैं ऊपर से अपना पहले यहाँ पर डाटा ओपन कर लेता हूँ। आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ से सीधा सिंपल से में ऑप्शन में लिखना है JOLT, जोल्ट
कॉल बैकग्राउंड जैसे लिखकर सर्च करोगे तो ऊपर के साइड में यही एप्लीकेशन आएगा। मेरे में ये अपडेट नहीं है, आप में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। जैसे करोगे उसके बाद आपको मेरे बताए हुए सेटिंग से जैसे फॉलो करोगे तो आपके फ़ोन में जो कॉल आने पर कुछ उसी प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि कॉल आने पर सचमुच में वैसा फ़ोटो देखने को मिल रहा है या नहीं। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तेरी जुदाई से डरता था ये दिल। सो गाइस आपने देख ही लिया कि कैसे मेरे फ़ोन में कॉल आने पर वैसे बैकग्राउंड देखने को मिल रहा था, कुछ इस प्रकार से आप सेट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।